बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। हाँ बिल्कुल उस्मान, यही मेरा हार है। मेरे बाबा की बस यही एक निशानी है, इसे देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलेगी। कुंदूस सिपाही एक जुनूनी लड़का है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। कुंदूस के बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता। अर्तुक भाई, आप पूरी तरह होशियार और मोहतात रहिएगा। ड्रेगोस नामी बला के मालूम होने तक पल भर के लिए भी आंख नहीं झपकाएंगे हम लोग। इन तुर्कों के साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। मैं किस आंखें खोलो अपनी, हमें अब इन तुर्कों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अर्तुरुल का सूरज जल्द डूबने वाला है। मेरी फतह का रास्ता तुम्हारी लाश पर से गुजरता है, क्योंकि तुम पहली सीढ़ी हो। उन आदमियों के चेहरे छुपे हुए थे, लेकिन मैंने कुछ देखा था। क्या देखा? उनमें से एक के हाथ पर नक्श बना हुआ था, जैसे कांटे होते हैं। अर्तुरुल सरदार को सब पता चल चुका है मेरे भाई। तलाए को तब तक आया क्यों नहीं? चलो फिर खाना खा लेते हैं हम। मैं अपने साय से भी पहले पहुंच जाता हूं। तलाए कुत, ये कौन है? अकेले आने के लिए कहा था ना मैंने। ये दोनों काराबोरू के साथी हैं, एक सिपाही है
और दूसरा जासूस। नाम क्या है? चबे। चबे नाम है? चबे। तुमने नौयान को धोखा दिया था। तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? और तुम जासूस हो हाँ? ये दोनों गद्दार हैं। कहिए, यहां क्यों बुलाया है मुझे आपने? आपके वालिद की तबीयत के बारे में पूछना था मुझे। जो कुछ आपके बेटे ने किया और जो आपने उनकी बेइज्जती की, उसके बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुम अब जा सकते हो उस्मान। हर चीज से पहले आपके बाबा की सेहत की फिक्र है मुझे। बेहतर होगा आर्तुक भाई और अताज को उनकी देखभाल कर लेने दीजिए। कोई जरूरत नहीं, खुद उनका ख्याल रख सकती हूं मैं। क्या इसके अलावा भी कुछ और कहना था आपको? गुंदूस के बारे में कुछ बताना है मुझे आपको। सुन रही हूं मैं। हादसे वाले दिन गुंदूस कहां था उसने हमें यह नहीं बताया, लेकिन मैंने मालूम कर लिया है। तो फिर बताइए मुझे, कहां था वो उस दिन? गुंदूस उस दिन क्या हुआ अब्दुर्रहमान भाई? उमर सरदार, क्या हुआ मेरे बाबा को? बाबा, क्या हुआ यहां पर? बाबा, या मेरे अल्लाह, या अल्लाह रहम कर, मेरे बाबा ये क्या हो गया आपको बाबा? बाबा, कौन था वो जालिम? ये किसने कर दिया बाबा? बाबा, बाबा क्या हो गया आपको बाबा?
बाबा उठिए ना, आपकी बेटी आपके पास आ गई है। बाबा देखिए ना, मैं यहाँ हूँ। बाबा उठिए ना। इल्बिल के खातों, अपने आप को संभालें। हर नफ्स को एक दिन जाना है, हिम्मत से काम लें। मेरी वालिदा के बाद इन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। ये साथ दे तो मुझे हौसला था, आज अपना सब कुछ खो दिया मैंने। जिस मलून शैतान ने भी मेरे बाबा का और मेरे सिपाहियों का कत्ल किया है, उस शख्स को जान से मार दूंगी मैं। दुनिया उजाड़ के रख दूंगी मैं उसकी। ये मंगोलों की मदद करके बाबा के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे। ये तो कुंदूस का खंजर है, उसने बाबा को मार दिया। कातिलो, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। अगर कातिल कुंदूस हुआ तो उसके साथ मैं अपना सर भी कटवा दूंगा खातून। अब आप नहीं बचा सकते अपने बेटे को मुझसे, काई कबीले से, और पूरे सऊद से इंतकाम लूंगी मैं इसका। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी। अब्दुर्रहमान, हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। कबीले में पैगाम भिजवाओ, सब मुहाफिज चौकन्न रहे। सऊद पर आंच नहीं आनी चाहिए, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। बमसी, आर्तुक भाई और सिपाहियों से कहो तैयार रहे। गुंदूज अगर कहीं नजर आए तो उसे पकड़कर अपनी हिफाजत में रखें और उस पर नजर रखना, समझ गए? जो आपका हुक्म भाई। ये दोनों गद्दार हैं। तो फिर इन दोनों ने दुश्मन से हमारी जान क्यों बचाई? अब भी नहीं समझे तुम? इसलिए ताकि तुम्हारा भरोसा जीत के तुम्हारे करीब आ सके। ए मको, मरगन वो गद्दार है जिसकी वजह से नौयान मारा गया। मैं इनकी जान ले लूंगा। रुक जाओ, तुम लोग पहले ही काफी हिमाकतें कर चुके हो, अब कुछ मत करना। अभी इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं, पहले इनसे ये उगलवाना है कि ये किसके लिए काम करते हैं। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारी जबान कैसे खुलवानी है जानता हूं मैं, फिक्र मत करो। तुम बांध दो इन्हें।
कौन हो तुम लोग और क्यों लड़ रहे हो? बाबा को मेरे और एरन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था चारी। मुझे माफ कर दो भाई, मैं बहुत मजबूर था। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन पता चलना ही था। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा चारी। मेरे लिए तुम्हें तलवार, घोड़े और खाने का इंतजाम करना होगा। मेरी बात मानो अगर, तो तुम्हें अर्तुरुल सरदार के पास से ले जाना चाहिए भाई। चारी मेरे भाई, अगर तुम खौफ ज़दा हो तो साफ साफ बता दो मुझे। देखो, मुझे इस मामले से हर हाल में खुद ही निमटना होगा। आप मुझे अपने और बाबा पर लगे हुए तमाम दागों को खुद धोना होगा। अब बताओ मुझे, क्या मेरी मदद करोगे या फिर नहीं चारी? करूंगा मेरे भाई। तो फिर मुझसे वादा करो चारी। वादा करता हूं, जान दे दूंगा अपनी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मां बे औलाद हो जाए, बच्चे यतीम और बीवी बेवा हो जाए, तो सामने आए वो। देखो जरा इन बुजदिलों को,
कुछ समझ नहीं आया तो हम पर ही हमला कर दिया। सिपाहियों, सिपाहियों को रोक लो बंसी। लेकिन सरदार, जो कहा है वो करो बस। सिपाहियों, पीछे हटो। जख्मी सिपाहियों को अंदर ले जाओ ताकि इलाज हो इनका। आपका गम मेरा गम है, आपका इंतकाम मेरा इंतकाम है। कातिल जब तक पकड़े ना जाए सब्र करना होगा। कातिल आपका बेटा गुंदूस है। हमारा गम कब नहीं होगा जब तक गुंदूस को सजा नहीं मिल जाती। भाई का मजा, उमर साहब का कातिल मेरा बेटा गुंदूस भी हुआ तो भी सजा से नहीं बच पाएगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी मत बताना। सब सुन ले, जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन अगर आज के बाद किसी ने काई सिपाही पर तलवार उठाई या कोई किसी साजिश का हिस्सा बना तो सजा सिर्फ मौत होगी। ये बात जहन नशीन कर ले सब। मेरे प्यारे पापा, मेरे बहादुर पापा, अगर मैं इंतकाम ना ले सकी आपका तो ये जमीन मेरी कब्र होगी, ये बिस्तर मेरी मैयत होगा और खैमा मेरा कफन होगा। बाबा, जब तक इनके जिस्म से खाल नहीं खींची जाएगी ये सच नहीं बताएंगे। अगर सच तक पहुंचना है तो सिर्फ यही रास्ता है खातून। मेरे भाई को जल्द से जल्द पैगाम भेजो, हालात से आगाह करो, उसे बताओ अर्तुरुल सरदार के बेटे गुंदूस ने हमारे बाबा को कत्ल कर दिया है। उसे लिखो सिपाहियों के साथ तलवारें उठाकर सऊद की जानिब आ जाए। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें और हमारी जानिब से इशारे का इंतजार करें। यही वक्त है इंतकाम लेने का, जंग करने का। लोगों को बांटने के लिए तुम्हारे पास कहां से आया इतना सोना? ये काम आपके अपने उताक से होता है। बताओ मुझे उसका नाम। क्या उस आदमी को जानता हूं मैं? वो
औलाद है आपकी, आपका बेटा कुंदूस सरदार। कुंदूस की वजह से हमारे क्या समझते थे उसको निकाल हुआ ना, मुझे तो अपने कानों पर अभी तक यकीन नहीं आया। कुंदूस सिपाही, ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ क्यों किया? क्या कह रही हैं आप खातून? इन पर और इनके सिपाहियों पर हमला क्यों किया तुमने? मुझे इस हाल तक पहुंचाने वालों से इंतकाम मैं खुद लूंगा बाबा। साबित कर दूंगा कि आपका बेटा कहलाने के लायक हूं मैं। गुंदूस की तलाश में सिपाही रवाना कर दिए हैं भाई, दाखिली और खारजी रास्तों पर मुहाफिज भी बढ़ा दिए हैं। सराय के मुलाजिमों को तफ्तीश मुकम्मल होने तक यहां से बाहर जाने के लिए मैंने मना कर दिया है भाई। तदबीर ही हमें मुसीबत से बचा सकती है। दुश्मन बहुत शातिर है ये याद रखना, वो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन हर जगह मौजूद है। हमें अपने कान और आंखें खुली रखना होंगी, कोई भी मशकूक चीज या शख्स नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करना। जैसा जो आपका हुक्म सरदार। यह खंजर गुंदूस का है लेकिन अगर हम उसे तलाश कर लें तो हकीकत का पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। गुंदूस को तलाश करना काफी नहीं, उस हाथ को तलाश करना होगा जो आरामगाह तक इसे ले गया। गुंदूस के मिलने से हमारा वक्त तो बच जाएगा लेकिन वो हाथ अगर हम तलाश न कर पाए तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने खत लिखकर बेबुलाद को भिजवा दिया है। जल्दी वो सिपाहियों के साथ यहां आ जाएंगे और इनको फना कर देंगे। इंशाल्लाह वो हमारा सुख खत्म होने से पहले यहां पहुंच जाएंगे। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इंतकाम लेंगे हम अपना। आ जाओ। ये क्या है जानबूझ? इन्होंने गम की वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना लाया हूं इनके लिए। मुझे भूख नहीं है जानबूझ, मैं इस सराय का पानी भी नहीं पीना चाहती। आप इतने कमजोर नहीं हैं, हौसला ना हारिए। आपके पापा भी आपको मजबूत देखना चाहते होंगे। आखिर आप उनकी वारिस हैं इल्फिल के खातून। उनकी इकलौती मीरास इंतकाम है, उनका इंतकाम लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। वो नामुराद कैसे अंदर आया और कत्ल कर दिया? बस करो जांगूज, जाओ यहां से। ठीक, जा रहा हूं। कौन हो सकता है जिसने उन्हें ऐसे कत्ल किया हो? कौन? वैसी इंसान होगा वो, शैतान होगा वो। आपको किस पर शक है भाई? ड्रेगोस, ये सूरत हाल सिर्फ उसी के हक में है बमसी। यकीनन उसी ने कोई चाल चली है।
ये एक मुनफरिद चाल है। हमें ये मालूम करना है कि इसमें कौन कौन उसके साथ शरीक है। तुर्गुत की भी कोई खबर नहीं आई, क्या उन मलूनों से कुंजी हासिल कर ली होगी उसने? तुर्गुत जानता है कि वो कुंजी हमारे लिए कितनी अहम है। जैसा मैंने कहा, उसके मुताबिक वो कुंजी हासिल करेगा और वापस आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। लेकिन उसके आने से पहले हमें ये मसाइल हल करना होंगे। उम्रलार के सिपाहियों का क्या करना है भाई? तदफीन आज ही करेंगे अब्दुर्रहमान, वो गुस्से में है। हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं और उनका रवैया कैसा होगा। अगर वो इस सदमे में कोई हिमाकत भी करते हैं तो सब्र के साथ हमें टकराव से खुद को बचाना होगा। यही तकाजा है वक्त का। उनके हामियों के साथ हमारा टकराव हमारे दुश्मन के हक में मुफीद साबित होगा। और इल्बिल के खातून, उन्हें आखिर कैसे समझाएंगे हम सरदार? हर चीज का एक वक्त होता है बमसी। अभी सोग में हैं वो, इस सोग से जब बाहर आ जाएंगी तो समझाने की कोशिश करूंगा उन्हें मैं। ठीक है भाई। अर्तुरुल की हालत अजीब थी, इतने सिपाहियों को देखकर पागल हो गया था वो। उसने इस तरह छलांग लगाई। उसकी लड़ाई की काबिलियत कमाल की है, मुझे बहुत पसंद आई। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मां बे औलाद हो जाए, बच्चे यतीम और बीवी बेवा हो जाए, तो सामने आए मेरे। उमूर उलार के सिपाही ऐसे हो गए जैसे जम गए हो अपनी जगह और हरकत करना भूल गए। तुर्कों के दरमियान आग लगाकर उन्हें आपस में लड़वा दिया हमने। दोनों फरीक जानते ही नहीं थे कि वो क्यों लड़ रहे हैं, मगर वो लड़ रहे थे, यही काफी है हमारे लिए। कातिल गुंदूस के लिए आपने क्या सोचा है जनाब? उसे इल्बिल के खातून मारेंगी। वो कैसे जनाब? थियो, उस लड़की ने अपना बाप खोया है, उसे इंतकाम लेने दो। अपने बाबा की याद में इंतकाम 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 कर रही है वो लड़की। मैं उस बेचारी लड़की की इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। इल्बिल के कुंदूस को मार देगी, उसके मरते ही सऊद में हर जगह कयामत बर्पा हो जाएगी। तुर्क आपस में ही लड़ लड़ कर फना हो जाएंगे। जनाब, अब क्या हुक्म है? कारबेला, तुम्हें तारा के साथ मैं किसके पास जाना होगा, उसे किस तरह समझाना है तुम जानते हो। निको, थियो, बाजार में अफरा तफरी फैला दो, कहो कि उमूर सरदार मर चुके हैं, उमूर और लार वाले जल्द यहां पर आने वाले हैं, एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, बताओ सबको जाकर। ताजिरों से कहो कि सऊद से चले जाए। जैसा आपका हुक्म कमांडर बेगोस। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? आ रहा हूं, सबर करो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मुझ पर रहम करो तारा। अर्थुरुल एक बंद गली में फंस चुका है, अब या तो उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर वो करो जो हम तुम्हें कहते हैं। तारा ये तुम्हें क्या हो गया है, कौन हो तुम आखिर? हम खुफिया फौज के सिपाही हैं मैकिस, जो सऊद की आजादी के लिए जान भी दे सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो तारा? आज के बाद से तुम हमारे लिए काम करोगे, हमारी मदद करोगे या फिर अपनी जान दोगे? कोई भी ताकत मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती, मुझे जान की परवाह नहीं। पहचानते हो ना? ये तो मेरी बीवी हेलेन, मेरा बेटा लियोन, ये तुम्हें कहां से मिला? बताओ कहां से मिला तुम्हें ये? कातिल ने कत्ल करने के बाद जानबूझकर खंजर यहां छोड़ दिया ताकि इल्जाम गुंदुस पर आ जाए। गुंदूस की जिंदगी ड्रेगोस की गिरफ्तारी से मशरूत है। उमर सरदार, गुंदूस के खंजर से कत्ल कर दिए गए, क्या तुम ये बात समझ नहीं पा रहे? कातिल कहा जा रहा है तुम्हारे भाई गुंदूस को। बस करो। वो नहीं चाहता था कि सरे आमिरन का नाम लिया जाए और उसकी बदनामी हो। गुंदूस तक सिर्फ इल्बिल के खातून पहुंचनी चाहिए।